तिथे औरंगाबादमध्ये भारिप बहुजन महासंघ आणि एमआयएम यांची संयुक्त सभा आयोजित करण्यात आलेली आहे. तिथे जाऊया. तिथे इम्तियाज जलील एमआयएमचे आमदार बोलत आहेत. हम लोग इतना पिछड़े रहे हैं, हमने बाबा साहब से कहा कि हम मुसलमान दलित बहुजन जितने भी हैं, हम आपके नेतृत्व के अंदर रहना चाहते हैं, हम आपको अपना उस्ताद मानते हैं. नतीजा ये हुआ, जरा सी आहट हमने क्या ली तो कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेता बाड़ा साहब के घर के ऊपर लाल फूलों का गुच्छा लेके पहुंच गए, और वो भी लाल फूलों का. लाल फूल का मतलब ये होता है वो बाड़ा साहेब और उनके समाज को ये बोलने के लिए आए थे, आई लव यू, आई लव यू. 70 सालों तक कभी पूछे नहीं है. आज जरा सी हमने आहट क्या ली तो बहुत सारों की नींद हराम हो गई. एक साहब ने कहा कि नहीं बड़ा साहेब विचार करा, एमआईएम सोबत कशाला चालले, मग तुमच्या सोबत होते ना, काय दिले तुम्ही, काय दिले, काय तुम्ही हेच दिले ना बाबाजीचा ठुल्लू, हेच दिले ना. हमने ये कहा कि देखिए हम कितने पे है, हम जीरो पे है. लोकसभा में वो जो नेता जिसने कहा कि एमआईएम के साथ मत जाओ, उसका ये कहने का मतलब था कि मैं सिर्फ मुसलमानों के वोट लूंगा लेकिन मुसलमानों की खयादत नहीं लूंगा, मुसलमानों की लीडरशिप नहीं चाहिए. और इस लीडर को सबसे ज्यादा डर किस बात का है तो 6 फुट 4 इंच की हैदराबाद की शेरवानी से सबसे ज्यादा डर. बोले नहीं, ये अवैसी साहब का तो. अरे अवैसी साहब आए हैं, बैठिए देखिए सत्ता में कैसा परिवर्तन होता है. 2019 के अंदर आपको समझ में आएगा. और हमने तो लक्ष्य कर लिए है, हमारा हमने तो ठान लिए है कि 2019 में अगर महाराष्ट्र के अंदर बहुजन दलित मुसलमान अगर किसी एक आवाज के ऊपर खड़े रहेंगे तो वो आवाज होंगी सिर्फ हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर जी की. मैं तो वो मंजर सोच के बड़ा हैरान हो जाता हूं. बड़ा मुझे भी बड़ा 2019 का इंतजार है कि लोकसभा के अंदर एक गेट से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जाएंगे, दूसरे गेट से बड़ा साहेब अंदर जाएंगे, 56 इंच का जिनका सीना है वो धीरे धीरे अपने लोगों से कहेंगे कौन आया. तो पूरे भाजपा ही बोलेंगे शेर आए. दो ही रहेंगे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफी रहेंगे. महाराष्ट्र में भी हम दो ही हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छों पर भारी है. बहुत तकलीफ हो रही है कि नहीं? ये कैसे मुमकिन हो सकता है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि दलित समाज बहुजन मुसलमान एक साथ मिलकर आए. हमारे बारे में ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि अगर ये कॉम्बिनेशन होता है तो एक इस तरह का भ्रम पैदा किया जा रहा है कि नहीं अगर ये संगठित हो जाते हैं तो नहीं किसी का फायदा होगा, इस पार्टी का फायदा होगा, इसका नुकसान होगा, इसका फायदा होगा. हम एक बात कहना चाहते हैं, पिछले 70 सालों से हमने सिर्फ तुम्हारे फायदे के बारे में सोचा है. आज पहली बार ये समाज अपने फायदे के बारे में सोच रहा है, हम अपने बारे में सोच रहे हैं. इसीलिए
अंधेरों को यही तो खल रहा है, अंधेरों को यही तो खल रहा है, दिया मेरा हवा में भी जल रहा है। लोगों ने सोचे होंगे तपती हुई धूप दोपहर में 1 बजे कितने लोग आएंगे। मैंने 2 दिन पहले टीवी के ऊपर था, एक साहब ने बोले अरे कुछ नहीं होने वाला, काही नहीं कर सकते थे। मैं बोला तुम घर पे रहो, होटल में रहो, कहीं पर भी रहो, लाइव देखना जरूर कैसी भीड़ रहेगी। ये तो शुक्र है 1 बजे उनको ओपन चैलेंज करते हैं, इसमें से कोई एक आदमी ने हाथ ऊपर करके ये बोलना कि मुझे इस गांव से पैसे देकर लाया गया है, ये अगर इकट्ठा हुए हैं तो सिर्फ बड़ा साहेब और असद अवैसी साहब के नाम पे इकट्ठा हुए हैं। किराए के टट्टो हम नहीं लाते हैं, किराए के टट्टो हम नहीं लाते। और अब तो ये हालत है, ये जैसे ही पता चला कि अब इस राज्य के अंदर अगर कोई एक नेता सबसे महान रहने वाला है वो है बाबा साहेब अंबेडकर, तो एक नेता ने अभी 2 दिन पहले ऐलान कर दिया हम संविधान बचाओ मोर्चा यहाँ पे निकालने वाले हैं। अबे सुनो, संविधान को बचाने की ताकत अब अल्हम्दुलिल्लाह हम में है, तेरी जरूरत नहीं है, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ये मुल्क अगर चलता है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के हिसाब से चलता।